ये जो लास्ट टाइम जिसमें काम कर रहे थे वो हम दोबारा से क्लोन कर लेते हैं। अच्छा, जो मेन रिपोजिटरी है ना इस क्लास की, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कौन सी वाली है। वो है बैच 8 के नाम से है ना, वो यहीं कहीं आ रही होगी, ये वाली है ना बैच 8। और लेकिन इसमें अभी तक मैंने इससे इंट्रोडक्शन नहीं करवाया आपका, क्योंकि वो कुछ जो पुराने स्टूडेंट थे उनका कोड सारा इसमें पुश हुआ हुआ है, तो मैंने अलग से रिपोजिटरी बनाई थी, लेकिन अभी मैं इसी में मर्ज कर दूंगा इसको अल्टीमेटली ना। अच्छा, तो मैं ज़रा पहले तो उसको क्लोन कर लेता हूँ उसी रिपॉजिटरी को, और उसको क्लोन करने के बाद क्लास, बल्कि इसको मैं डेस्कटॉप पे क्लोन कर लेता हूँ। सीडी डेस्कटॉप गेट क्लोन, और ये पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, इस रिपॉजिटरी में देख लेता हूँ मैंने अभी तक क्या कोड लिख दिया है, अब उसके आगे से फिर आज हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, मैंने कहा सीडी और माय फर्स्ट वेबसाइट कोड स्पेस डॉट, सही है, ये मैंने वीएस कोड में ओपन कर लिया। अच्छा जी, और इसको मैं रन करने के लिए क्या करूँगा, npm start एंटर करूँगा, ये रन हो जाएगा। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? ने मुझे कोई एरर दिया है, वेरिएबल फोल्डर स्टार्ट दिस 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 नॉट फाउंड। पता नहीं, npm आई चला लेता हूँ एक दफ़ा, क्या सीन हुआ है। सही है, npm आई मैंने एक दफ़ा चला लिया है एहतियातन, अब npm स्टार्ट किया तो चल गया। हाँ, क्योंकि क्लोन किया था ना मैंने, तो क्लोन करने के बाद npm आई तो चलाना पड़ेगा, उसके बगैर वो चलेगा। तो ये था लास्ट जो हमने बना लिया था, राइट। अच्छा, इस क्लास की मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड करता हूँ ना, तो वो आप अगर रिकॉर्डिंग चेक करनी हो ना किसी को भी जाके, तो आप मेन वीडियोस वाले सेक्शन में मैं चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं वीडियोस इतनी सारी अपलोड कर रहा हूँ आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सी वाली कौन सी है, क्योंकि मेरी बैक टू बैक ना 3-4 क्लासेस चल रही होती हैं। तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा कौन सा है। आपने जाना है प्ले लिस्ट के अंदर, और प्ले लिस्ट के अंदर आपको अपनी क्लास तलाश करनी है। आपकी क्लास कौन सी है? ये वाली है बैच 8, जो ये वाला है, इसमें 50 वीडियोस हो चुकी हैं ऑलरेडी, और ये वाली जो जाएगी वो आई थिंक वो 51 होगी अब। अच्छा, ये उसके अलावा ये सारी क्लासेस है ना, ये अलग अलग, तो आप कभी भी वीडियो जाके सर्च करें अगर इसके ऊपर, तो आपने प्लेलिस्ट के ज़रिए जाना है, वीडियोस में डायरेक्ट कभी भी नहीं जाना, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप कहाँ आ गए। वेल, अच्छा इसको तो हमने रन कर लिया, अब अगला काम इसमें हमें करना क्या था? अगला काम इसमें हमें ये करना था, मैं src में गया और index.js में गया। अच्छा, हमने अभी तक इसमें एक कंपोनेंट तक बनाया था, तो वापस चलते हैं फिर वहाँ पे डेव सीडिया वाला जो आर्टिकल है उसमें चलते हैं, देखते हैं उसने आगे क्या बताया, फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने ये खोला भाई डेव सीडिया रिएक्ट ट्यूटोरियल, इस आर्टिकल का लिंक भी सब लोगों के पास मौजूद है। ये हमारा हो गया था हेलो वर्ल्ड इतना, और उसके बाद योर टर्न वाला जो पार्ट था ये पूरा मैं समझा चुका था कि कौन सी लाइन क्या कर रही है, रेंडर वाली लाइन, ये वाली लाइन सारी मैं समझा चुका हूँ। नए वाले स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, नहीं जब ये योर टर्न तक मैं पहुँचा हूँ, ये वाले योर टर्न तक, तो जाहिर है मैं ये बता के ही पहुँचाऊँगा ना, ये नहीं बताया मैंने, ये वाला लिंक शेयर कर देता हूँ, air.sysborg.com, और क्लास आईडी है आपकी वेब, सही है वेब, और ये मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया। ठीक है, मिल गया लिंक तुम्हें, अच्छा अब अगला जो टॉपिक है ना हमारा डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट है, कि ये जो मेरा कंपोनेंट था एक अदद, जी दोस्त कुछ कह रहे हैं,
ये जो मेरा कंपोनेंट था ना फंक्शन हाई, सही है, और ये रिटर्न करता था जे एस एक्स, ये तो एक कंपोनेंट हो गया हमारा, हम देख चुके हैं एक कंपोनेंट बना चुके हैं, ये एक ही कंपोनेंट में अभी हमने सारा का सारा काम किया है। तो इस कंपोनेंट को अब हमने क्या बनाना है, डायनेमिक बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, इस कंपोनेंट को तो हम छोड़ देते हैं, इसमें एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ मैं। मैंने कहा फंक्शन हेलो, सही है, फंक्शन हेलो कर दिया मैंने, और रिटर्न इसमें से मैंने करवा दिया कुछ भी, कोई एक हल्का फुल्का सा जे एस एक्स, सही है, हल्का फुल्का सा जे एस एक्स, यानी कि एक डिफ। सही है, और डिव में हेलो वर्ल्ड, सही है, उसी पे हम वापस आ गए। तो ये मैंने एक दूसरा कंपोनेंट बना लिया, राइट, क्योंकि पहले से एक कंपोनेंट बना हुआ था वो सीवी वाला, उसको मैंने कहा चलो उसको एडिट करने से बेहतर है मैं एक नया बना लूँ। और अब मैं जो रेंडर करवाता हूँ जो स्क्रीन के ऊपर, रेंडर किसको करवाता था पहले मैं हाई वो, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ ये मेरा एक दूसरा कंपोनेंट है, इसको रेंडर करवाऊँ, ठीक है, हेलो। अब ये हाई वाला कंपोनेंट रेंडर नहीं होगा, अब ये हेलो वाला कंपोनेंट रेंडर होगा, ठीक है, हेलो में एक एल एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, सही है। अब देखो मैं यहाँ पे आता हूँ जब अपने कोड में, तो देखो अब कौन सा वाला रेंडर हो रहा है, हेलो वाला रेंडर हो रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये दो कंपोनेंट हो गए तो इसमें से क्या एक वक्त में एक ही रेंडर होगा, दोनों एक साथ भी तो रेंडर हो सकते हैं, तो ये हम बाद में कवर करेंगे कि दो कंपोनेंट को एक साथ कैसे रेंडर करवाएं, सही है, ये हम बाद में कवर करेंगे। अभी हम फिलहाल अभी एक कंपोनेंट की कहानी है, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि हम एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स को डिस्कस करें, अभी हम सिर्फ एक कंपोनेंट पे अभी सीख रहे हैं फिलहाल। अच्छा, तो एक कंपोनेंट में हमने क्या सीखना है, नंबर एक चीज़ थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि इस कंपोनेंट में अभी तक हम क्या सीख चुके हैं। कंपोनेंट जो है वो सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर जो चीज़ रिटर्न हो रही है ये देखने में HTML के जैसी है, लेकिन असल में HTML ये नहीं है, ये असल में क्या है, जे एस एक्स है ये, ठीक है, जावास्क्रिप्ट है ये, तो इसको जे एस एक्स इसका नाम रखा है, असल में ये जावास्क्रिप्ट है। ये लिखा हुआ तो लेकिन जावास्क्रिप्ट की तरह नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का वैलिड सिंटैक्स नहीं है। तो होता क्या है, असल में रिएक्ट की ऐप ना डायरेक्ट चलती भी नहीं है, रिएक्ट की ऐप पहले होती है कंपाइल। अगर मैं देखें यहाँ पे इसको कंट्रोल एस का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे कंपाइल लिखा हुआ है, कंपाइलिंग ऐसे थोड़ी देर तक लिखा हुआ है, सही है। अभी क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ही छोटी है तो वो फौरन कंपाइल हो जाता है, नज़र नहीं आता, लेकिन जब थोड़ी बड़ी होगी ना एप्लीकेशन तो आपको दिखेगा कि कंपाइल होती है। तो जब मैं सेव करता हूँ तो ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन कन्वर्ट होती है सिंपल जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो इस जेएसएक्स को उसी कंपाइलेशन के दौरान क्या कर दिया जाता है, सिंपल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये डिव जो है ये क्या बन जाता है, ये डिव बन जाता है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये इस पूरे पेज में सिर्फ जावास्क्रिप्ट है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो हमने ये देखा कि भाई एक कंपोनेंट है, ये एक सिंपल फंक्शन है, और ये इसको हम पहचानते कैसे हैं कि ये कंपोनेंट है, दो बातों से पहचानते हैं। नंबर एक, इस फंक्शन का जो नाम है उसका पहला कैरेक्टर होता है कैपिटल, जैसे हेलो का एच कैपिटल है। अच्छा, ये ज़रूरी भी है, अगर मैं इसको स्मॉल कर दूंगा ना ये एरर देना शुरू कर देगा, सही है, वो बोलेगा कि नहीं भाई ये तो हेलो नहीं है। देखते हैं इसको, ये अभी भी देखो रनिंग करना बंद कर दिया। तो कंपोनेंट के अंदर इसका एच कैपिटल रखना इसके सिंटैक्स का पार्ट है, ज़रूरी चीज़ है ये। तो नंबर एक बात, इसका एच कैपिटल होगा, नंबर दो, ये जेएसएक्स रिटर्न करेगा। कोई भी फंक्शन में अगर ये दो बातें हो ना, उसका नाम पहला कैपिटल हो और जे एस एक्स रिटर्न कर रहा हो, वो कंपोनेंट है, और कंपोनेंट को स्क्रीन पे रेंडर करवाया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन पे इसको रेंडर करवा रहा हूँ, मैंने कहा रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर हेलो का कंपोनेंट। अच्छा, रेंडर किससे बोल रहा हूँ करने के लिए, रिएक्ट से बोल रहा हूँ, खुद नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ रिएक्ट, रिएक्ट के डॉम इसको रेंडर कर दो, किसको रेंडर कर दो, हेलो। तो रिएक्ट का डॉम उसको रेंडर कर देता है, वो पीछे कैसे करता है वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छे दिमागों ने वो सोच समझ के एक सेटिंग बना दी है इंजीनियर्स ने, एक लाइब्रेरी आपके लिए लिख दी है, एक सेटअप लिख दिया, वो उसके ज़रिए डिस्प्ले हो जाता है। हमें एज अ डेवलपर ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये रेंडर एक्चुअल में कैसे करता है,
हमें ये समझने की जरूरत नहीं है, हमें लाइब्रेरी के तौर पे ये चीज़ मिली है। लाइब्रेरी हम सब पहले डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि लाइब्रेरी क्या होता है, फंक्शंस होते हैं बहुत सारे, आप उनको यूज़ करते हैं रिगार्डलेस कि वो फंक्शन पीछे काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन आप जैसे मिसाल के तौर पर एक फंक्शन कॉल करते हैं, आप किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, अब नीचे कैसे कैलकुलेटर है उसको लेना देना नहीं है आपने, आपने मैथ की कोई लाइब्रेरी उठाई उसमें फैक्टोरियल का फंक्शन था, आपने एक नंबर दिया वो आपको उसका फैक्टोरियल दे देगा, बीच में उसने क्या किया आपको लेने देना नहीं है उससे, कॉम्प्लेक्सिटी हाइड हो जाती है आपको हाई लेवल की चीज़ में, तो ये हाई लेवल की चीज़ है। ठीक है, अच्छा अब ये जो कंपोनेंट है यहाँ तक जो हमने पढ़ा था वो मैंने रिवाइज कर दिया, इस कंपोनेंट के अंदर JSX जो आप लिखते हैं असल में JSX HTML से ही इंस्पायर है, तमाम इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो HTML वाले ही हैं। ठीक है, ये जो डिव है ये क्या है, HTML वाला ही, एक HTML के जैसा है, तो लेकिन असल में ये डिव है इसका बिल्ट इन कंपोनेंट। JSX के अंदर ना इसको एलिमेंट नहीं बोलते, JSX अगर ये HTML होता है इसको मैं क्या बोलता, डिव क्या है, एलिमेंट है, लेकिन ये एलिमेंट नहीं है JSX में, इसको क्या कहते हैं हम, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये डिव एक कंपोनेंट है, और ये डिव हमने तो नहीं बनाया, हमारा बनाया हुआ कंपोनेंट तो नहीं है, ये बिल्ट इन कंपोनेंट है, ये पहले से बना हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं डिव के अंदर यहाँ पे आता हूँ और डिव में आके मैं काफ़ी चीज़ें लिख सकता हूँ, मतलब मैंने एक H1 लिख दिया यहाँ पे, तो ये H1 भी क्या है, बिल्ट इन कंपोनेंट है, सही है, H1 भी बिल्ट इन कंपोनेंट है इसमें, H2 भी बिल्ट इन कंपोनेंट है। तो जो जो एलिमेंट HTML में होते थे, जो जो एलिमेंट HTML में होते थे उन सबका इन्होंने क्या कर दिया, सबका तो नहीं है लेकिन बहुत सारा, ज़्यादातर का, मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल, मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स आर अवेलेबल इन JSX एज बिल्ट इन कंपोनेंट्स, ये बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसा नाम लिख दूँ जो HTML में भी नहीं है, मैंने कहा ABC के नाम का, मैंने कहा ABC, तो क्या ये चल जाना चाहिए, क्या ये JSX में मौजूद है, देखते हैं चल आगे क्या होता है। चलिए, सही है, तीसरा वाला भी चल रहा है, ABC भी चल रहा है। HTML5 के अंदर ये ऑप्शन होता है आपके पास कि आप किसी भी नाम से टैग बना दें तो क्या होता है, वो चल जाता है, और वो उसको कैसे ट्रीट करता है, एज अ डिव उसको ट्रीट करता है। ठीक है, HTML5 के अंदर आप अपने नाम का भी बना देना एलिमेंट जो कि है नहीं HTML में एक्चुअली, तो वो उसको मना नहीं करता, उसको चला देता है और उसको वो एज अ डिव कंसिडर करता है। तो यही चीज़ इसमें भी इनहेरिट हुई है कि आप किसी भी नाम से लिख देंगे ना एलिमेंट तो वो एज अ डिव उसको कंसिडर करके, जो डिव है ना बिल्ट इन, जो डिव कंपोनेंट है वो चला देता है उसके अंदर। अच्छा, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कंपोनेंट जो हम खुद बनाते हैं उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल क्यों रखवाता है, ये समझ आई बात, ये क्योंकि अगर पहला कैरेक्टर स्मॉल है ना तो उसको ही समझेगा ये तो डिव है, समझ रहे हो। अच्छा, तो अब अभी हम फिलहाल एक कंपोनेंट पे हैं, अभी हम दो कंपोनेंट पे नहीं जा रहे, ये हमारा खुद का बनाया हुआ एक ही कंपोनेंट है, हमारे बनाए हुए कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट और चार कंपोनेंट हो चुके हैं अभी तक, सही है। अच्छा, अब हमें अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल अब हमें क्या काम करना है, इसको डायनेमिक बनाना है और रीयूजेबल बनाना है। अब डायनेमिक और रीयूजेबल बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले तो मैं इसको जो है क्या कर देता हूँ, इसका नाम थोड़ा सा, हेलो तो बहुत दफ़ा रख लिया नाम मैंने, मैं इसका नाम रख देता हूँ पोस्ट, सही है, पोस्ट है ये, दिस इज अ पोस्ट, सही है, पोस्ट हो गया। अब पोस्ट के नाम से मैंने क्या बना लिया, कंपोनेंट बना लिया। इन्होंने क्या बताया डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट से बता ले कि लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेप एंड लर्न हाउ टू मेक योर रिएक्ट कंपोनेंट डायनेमिक एंड रीयूजेबल। बिफोर वी टॉक अबाउट हाउ टू डू दिस इन रिएक्ट, लेट्स लुक एट हाउ टू डू दिस इन प्लेन जावास्क्रिप्ट। दिस सीम्स अ बिट बेसिक बट बेयर विथ मी। कह रहे हैं कि पहले रिएक्ट में सीखने से पहले ना हमें यह देखना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट में ये काम कैसे होता था। तो ये एक फंक्शन था जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, एक ग्रीट था, रिटर्न करता था एक स्ट्रिंग। तो इसको डायनेमिक बनाने के लिए इसमें पैरामीटर ले लिया, पहले हाई डेव हमेशा हाई डेव ही आता था, अब हाई क्या आगे जो पैरामीटर में नाम मिलेगा वो आएगा। तो सेम यही तरीका जो है क्या होता है रिएक्ट में भी होता है। रिएक्ट में हम प्रॉप्स ले सकते हैं,
ठीक है। अब ये प्रॉप्स क्या होते हैं? जो प्रॉप्स होते हैं ना वो एट्रीब्यूट की तरह लगते हैं देखने में। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आया, ये पोस्ट है ना जो, अब पोस्ट के अंदर मैं क्या देता हूँ, एक अदद प्रॉप देता हूँ इसको, क्या दे देता हूँ भाई, टाइटल, के भाई पोस्ट का एक टाइटल है। मैंने कहा भाई फिल्म फेयर, सही है, फिल्म फेयर अपडेट, ये मैंने एक इसको एट्रीब्यूट दे दिया, सही है ना। ये जो मेरा बनाया हुआ कंपोनेंट है, ये कैपिटल पी से जो पोस्ट लिखा हुआ है, ये क्या है, ये मेरा बनाया हुआ कंपोनेंट है, ये अभी ये मैंने बनाया हुआ इधर, और इस कंपोनेंट को मैंने रेंडर करते हुए इसको क्या दे दिया, एक अदर एट्रीब्यूट पास कर दिया। लेकिन ये क्योंकि JSX है तो इसमें इसको एट्रीब्यूट नहीं बोलते, देखने में ऐसा लग रहा है एट्रीब्यूट है, HTML होता तो इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। यहाँ पे जावा JSX के अंदर या रिएक्ट के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप, सही है, प्रॉप स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज एक्चुअली, सही है, प्रॉप इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये प्रॉप मैंने इसको दे दिया एक अदर, बिल्कुल उसी तरह जैसे JavaScript का फंक्शन रन करते थे उसको पैरामीटर देते थे, उसको प्रॉप दे दिया मैंने। प्रॉप देने के बाद क्या किया, कंपोनेंट के अंदर मैंने इसको रिसीव किया, भाई जाहिर है ये तो एक्चुअली फंक्शन कॉल की तरह है ना, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉप, सही है, प्रॉप्स लिख देता हूँ, एस लगा देता हूँ, एस लगाया इसने यहाँ, वैसे ही आपकी मर्जी का कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि आप प्रॉप्स लिखें यहाँ पे, ठीक है, ताकि जो डेवलपर है उसको भी समझ में आए कि हाँ यार क्या लिखा हुआ है। अब ये प्रॉप्स है ना, अब यहाँ पे जो भी मैंने इसके अंदर प्रॉप्स पास किए होंगे वो मुझे कैसे मिलेगा, वो मुझे मिलेगा ऐसे कर्ली ब्रेसेस करके ना, कर्ली ब्रेसेस करके कोई भी जावास्क्रिप्ट में लिख सकता हूँ इसके अंदर, ये हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, पहले हम इसको 2 और +4 ऐसे हम कर चुके हैं पहले, तो ये यहाँ पे क्या प्रिंट करता था, 6 प्रिंट करता था, तो लेकिन अब मेरे पास क्या चीज़ मौजूद है, प्रॉप्स डॉट टाइटल, ठीक है, तो ये मैंने हेलो वर्ल्ड हटा के ना H1 पे मैंने क्या लगा दिया, प्रॉप्स डॉट टाइटल लगा दिया मैंने, सही है। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाना चाहिए, जो भी मैंने लिखा था प्रॉप यहाँ से पास किया था वो चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए, देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, ये वो डिस्प्ले होगी चीज़, सही हो गया। हाँ अभी हम दूसरा प्रॉप भी पास करते हैं इसको, दूसरा प्रॉप क्या होता है, मैं एक पोस्ट के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट होता है, मैंने कहा टेक्स्ट इसको पास कर दो भाई साहब आप। अब मैं लाइन को ना ब्रेक करने लगा हूँ क्योंकि वो ज़रा आगे जा रहा है काफ़ी ना, सही है, मैंने लाइन थोड़ी ना ब्रेक कर ली है ताकि वो, क्योंकि वो स्क्रीन से बाहर जा रहा था, सही है, दैट्स इट, लाइन ब्रेक की है मैंने और कुछ भी नहीं किया। अच्छा अब मैं ज़रा टेक्स्ट उठा लेता हूँ कुछ यहाँ से ना, मैं ऐसे ही रैंडमली गूगल पे कोई लिख रहा हूँ इसमें, सही है, ये मैंने कोई आर्टिकल खोला, यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट उठा लूँगा मैं जस्ट रैंडमली ऐसे ही, ये भाई मैंने यहाँ से क्या उठा लिया, टेक्स्ट उठा लिया, सही है, टेक्स्ट उठा के मैंने इसको बंद कर दिया और ये टेक्स्ट मैंने इसको यहाँ पे पास करवा दिया। अब मेरे पास क्या है, एक अदर टाइटल है और एक अदर उसका टेक्स्ट है, तो मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट को यहाँ पे, अब किस में टेक्स्ट को H2 में करवाऊँ किस में करवाऊँ, पी में करवाना चाहिए, सही है, एज अ पैराग्राफ उसको, मैंने कहा कि भाई साहब प्रॉप्स डॉट टेक्स्ट, सही है, आसान है अभी तक, मुश्किल तो नहीं है, ये आ गया टेक्स्ट पूरा का पूरा लिखा हुआ। और क्या होता है इसके अंदर, एक पोस्ट के अंदर और क्या होता है, इमेज होती है, तो मैं लिख देता हूँ, सही है, मैं यहाँ से एक वो उठा लेता हूँ, एक इमेज मैं रैंडमली उठा रहा हूँ, मैंने क्या ओपन इमेज इन न्यू टैब, सही है, ये न्यू टैब में मैंने ओपन कर लिया, यहाँ ऊपर देख रहे हो URL मुझे शो हो गया इस इमेज का, जहाँ भी इंटरनेट पे ये होस्ट है मुझे उसका URL मिल गया, तो मैं ये URL कॉपी कर लेता हूँ, डाउनलोड भी कर सकता था मैं इस इमेज को, लेकिन फिलहाल मैं इसका URL कॉपी कर रहा हूँ, बस अभी जैसे मैंने बताया आपने ऐसे ही करना है, सही है, जब ये कर लोगे जो मैंने बताया ना, जब ये कर लोगे तो फिर जो मर्जी आगे करते रहो उसके बाद, सही है। तो मैंने क्या कर दिया, इमेज करके ये इसको एक URL पास कर दिया, राइट, आसान है। अच्छा अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, IMG के नाम से एक बिल्ट इन कंपोनेंट मौजूद है,
सही है। और यहाँ पे src की जगह मैंने क्या डाल देना है, src की जगह मैंने एक prop dot image लगा देना है, ठीक हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे इमेज डिस्प्ले हो गई या नहीं हो गई। ये लो भाई इमेज भी डिस्प्ले हो गई। अब ये ना बहुत ज़्यादा, इतनी बड़ी पोस्ट थोड़ी ना चाहिए थी मुझे, इसको मुझे थोड़ा छोटा करना है। तो इसको मैं एक अदद कोई क्लास दे देता हूँ, मैंने कहा भाई क्लास नेम, और मैंने कहा भाई पोस्ट, ठीक है क्लास नेम इसकी पोस्ट है। और मैं एक CSS तो मेरे पहले से बना हुआ है मेरे पास, तो मैं इसमें आके बोलता हूँ ये पहले वाला सारा CSS उड़ा देता हूँ, इसकी ज़रूरत है क्या मुझे, नहीं इसकी ज़रूरत है ना, वो CV में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है तो वेल इसकी ज़रूरत है मुझे, ठीक है। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके ना नीचे लिख लेता हूँ, ताकि वो भी पुराना वाला कंपोनेंट भी, असल में तो ये दो अलग अलग कंपोनेंट होंगे, CV का कंपोनेंट एक पूरा अलग होगा और ये वाला पूरा अलग, लेकिन जस्ट इन केस अभी हम फिलहाल CV वाले को हमारे साइड पे कर दिए, अभी हमारा ये जो कंपोनेंट है वो पोस्ट का कंपोनेंट है। तो मैंने कहा कि यार जो डॉट पोस्ट के नाम से जो मेरी क्लास है उस पर क्या कर दो आप, उस पर ये कर दो कि पहले तो उसका विड्थ और हाइट को फिक्स करो, ये ना अनलिमिटेड नहीं हो ना पूरे कोने से कोने तक वो फैल रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा भाई इसकी जो विड्थ है ना जो क्या होगी वो होगी 500 पिक्सल मिसाल के तौर पर, ठीक है जाके देखते हैं विड्थ इसकी 500 पिक्सल हो गई कि नहीं हो गई। इंस्पेक्ट एलिमेंट भी खोल लेते हैं साथ साथ हम, ये मैंने जूम इन शायद ज़्यादा ही किया हुआ इसको, सही है ये अभी 100% जूम पे अब लेकर आया हूँ मैं इसको। सही है ये पोस्ट जो थी हमारी वो किस पे आ गई, उसकी विड्थ जो है वो 500 पिक्सल हो गई, लेकिन इमेज मेरी ना अभी भी बाहर निकल रही है उससे ना, तो मुझे इमेज को भी क्या करना पड़ेगा, इतने ही साइज पे लाना पड़ेगा, इमेज उससे अभी भी बाहर निकल रही है मेरी पोस्ट से, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ कि यार क्लास के अंदर जो इमेज है ना उसकी भी विड्थ को इतना ही कर दो ताकि वो भी थोड़ा कम हो जाए। मैंने कहा डॉट पोस्ट के अंदर जो img है उसको भी क्या कर दो, उसकी भी विड्थ 500 कर दो, सही है 500 पिक्सल ही होगी इसकी भी विड्थ, ये दोनों सेट हो गए। अब इसके अराउंड मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ, पोस्ट के अराउंड मैंने कहा भाई बॉर्डर होगा 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, एक मैंने बॉर्डर लगा दिया इसके अराउंड, ठीक है। अब मैंने बोला ये जो पोस्ट है ना भाई इसको थोड़ा दीवारों से तो दूर करो, मैंने कहा भाई इस पर मार्जिन लगा दो, ठीक है मार्जिन मैंने कहा कि यार 20 पिक्सल लगा दो, सही है तो 20 पिक्सल ये चारों साइड से दूर हो गया। अच्छा ये दीवारों से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है इसका टेक्स्ट, यानी बाहर से तो ये दूर हो गया लेकिन इंटरनली इसका टेक्स्ट जो है वो दीवारों से चिपका हुआ है, तो मैंने कहा यार यहाँ भी थोड़ा फासला चाहिए, उसके लिए मैं क्या देता हूँ पैडिंग दे देता हूँ, सही है पैडिंग इसको मैं वो भी 20 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है जी। तो ये पोस्ट की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो ठीक हो गया जी ज़बरदस्त हो गया हमारे पास। अच्छा इसका थोड़ा सा मैं बॉर्डर को ना थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ, मैंने कहा भाई बॉर्डर रेडियस और 10 पिक्सल 10 पिक्सल इसको मैंने ना थोड़ा सा चारों साइड से गोल कर दिया बॉर्डर रेडियस देके, सही है अच्छा लग रहा है थोड़ा ये। अच्छा इसको कुछ ना कुछ बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं हम, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वैसे तो वाइट है लेकिन इसको मुझे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड कलर देना होगा, तो वो मैं किससे उठा लेता हूँ, फेसबुक की पोस्ट में ना एक बैकग्राउंड कलर होता है, ठीक है फेसबुक पोस्ट के अंदर क्या होता है एक बैकग्राउंड कलर होता है, वो मैं इसको उठा के दे देता हूँ, ठीक है वो वाइट नहीं होती, फेसबुक की पोस्ट का जो बैकग्राउंड कलर है ना वो वाइट नहीं होता, उसका एक कलर होता है, वाइट से ना थोड़ा सा वो ज़्यादा वो होता है, हाँ ये मुझे मिल गया ना। पोस्ट का कलर शायद वाइट होता है उसका,
नहीं, पोस्ट का कलर भी पूरा वाइट नहीं होता है। अच्छा हाँ, पूरा वाइट है, बैकग्राउंड इनका ग्रे होता है। हाँ, बैकग्राउंड ग्रे है इसका। तो मैं काम करता हूँ, बैकग्राउंड को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपना भी बैकग्राउंड क्या बना देता हूँ, वही वाला बना देता हूँ। तो मैंने कहा कि यार आपका जो बॉडी है ना, बॉडी पे क्या लगा दो आप, बैकग्राउंड कलर जो है ना ये वाला लगा दो जो मैंने यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, कलर ये कलर पिकर है ना, एक्सटेंशन है। सही है, कलर पिक कलर फ्रॉम पेज, ये गूगल का एक्सटेंशन है, आप देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा अब ये मेरा बैकग्राउंड का कलर मैंने चेंज किया ना, तो ये इधर भी ये कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इधर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है ये कलर, क्योंकि इसका कुछ बैकग्राउंड तो है नहीं, तो ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसको मुझे बैकग्राउंड ऑफ वाइट देना पड़ेगा। तो मैंने पोस्ट को आगे बोला कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है भाई, वो वाइट है। ठीक है, तो अब मुझे ये वो वाली फील आ गई जो फेसबुक में एक्चुअल हुआ होता है, बैकग्राउंड कलर ग्रे है ये वाला, लेकिन ना थोड़ा पुराना स्टाइल है शायद, अभी उन्होंने कुछ चेंज किया है, अभी उन्होंने बैकग्राउंड को वाइट किया है और पोस्ट की कलर में थोड़ा सा कुछ ग्रे शेड टाइप का फील आ रहा होता है। वेल, तो ये मेरे पास एक पोस्ट बन के तैयार हो गई, नीचे उस कुछ बटन वटन भी होते हैं इसके, लेकिन फिलहाल मेरे पास बटन नहीं है अभी, तो मैं बटन नहीं लगा रहा। अब ये जो मेरी पोस्ट है ना, एक फेसबुक को इमेजिन करो, इमेजिन करो ये फेसबुक की एक पोस्ट है, इसके नीचे एक और पोस्ट होगी, स्टाइलिंग सारी चीज़ें तो वही हैं, सिर्फ अंदर का कंटेंट चेंज हो रहा है, बीच का मतलब क्या प्रॉप चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, प्रॉप चेंज हो रहा है सर, बाकी तो सब वही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये समझ में आ गया डायनेमिक कैसे कंपोनेंट हो रहे हैं ये। अच्छा अब ज़रा देखते हैं इसमें और क्या बताया हुआ है, फिर हम करेंगे इसको ना, अब रीयूज़ करेंगे, एक बन गया ना ये फिक्स, अब इसको रीयूज़ करेंगे पूरा लाइन से, जितना मर्जी आप उसको पेस्ट कर दे। तो ज़रा यहाँ देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने बताया इसके अलावा। हाँ, ये प्रॉप पास कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर हम आते हैं अभी, इस वाले पे। सही है, अभी यहीं तक रखते हैं, यहाँ तक रख के ना हम ज़रा इसको रीयूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, ये मेरा पोस्ट का कंपोनेंट हो गया, ये क्या हो गया, मेरे पोस्ट का कंपोनेंट हो गया। अभी मैं पोस्ट को यहाँ पे डायरेक्ट करवाता था। ठीक है, अच्छा अगर इमेजिन करो कि मैं एक कंपोनेंट कोई और बना लेता हूँ यहाँ पे, कंपोनेंट को एक दूसरे के अंदर प्रिंट करवाया जा सकता है। ठीक है ना, ये हम शुरू में देख चुके थे जब हम कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, तो हमने देखा था कि यार अच्छा JSX जो है वो बिल्कुल HTML की तरह, और बिल्कुल HTML की तरह ही HTML का जैसे एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट रखा जा सकता है, इसी तरह JSX में एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट रखा जा सकता है। ठीक है, एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट रखा जा सकता है। अब वो कंपोनेंट बिल्ट इन हो या खुद का बनाया हुआ, वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो है सारे कंपोनेंट ही असल में। तो अगर इमेजिन करो ये जो इमेज है ये एक कंपोनेंट है, इसके नीचे ला के मैं यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लगा दूँ, ये मेरा हाई का कंपोनेंट, तो चल जाएगा, वो चल जाएगा ना। अच्छा, या इस पोस्ट को उठा के मैं कहीं और लगा दूं तो वो भी चल जाएगा। तो मैं क्या बनाता हूं, एक बनाता हूं पेज। सही है, पेज के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, पेज एक सिंपल एक डिव है। सही है, एक मैंने दूसरा कंपोनेंट बना दिया, इसका नाम पर मैंने क्या रखा, मैंने रखा मेरा, इसका नाम है पेज, और पेज के अंदर क्या लिखा हुआ है, जस्ट आई एम अ पेज कंपोनेंट। अब मैं क्या करता हूँ, इस पोस्ट को मैं कट कर देता हूँ, अब मैं पोस्ट वाले को रेंडर नहीं करवा रहा, अब मैं करवा रहा हूँ रेंडर पेज वाले को। ठीक है, पेज को रेंडर करवा दिया, अब पेज रेंडर हो गया, ये पेज रेंडर हो गया, इसमें क्या लिखा हुआ है, आई एम पेज कंपोनेंट। अभी मैं ना पोस्ट को करवा रहा हूँ ना मैं इस हाई को करवा रहा हूँ, ये कंपोनेंट बनाता चला जा रहा हूँ मैं अभी ना, अभी हम इसको एकदम मर्ज करेंगे तो मेक सेंस हो जाएगा फिर। अच्छा, तो ये पेज का कंपोनेंट मैंने यहाँ पे रेंडर करवा दिया। अब ये पेज के कंपोनेंट के नीचे मैं एक पैराग्राफ लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक पैराग्राफ लिख सकता हूँ, आ गया। ठीक है, ये पहले भी करते रहे हम, यहाँ पे मैं अपना बनाया हुआ भी कंपोनेंट भी तो लिख सकता हूँ। हाँ भाई, प्रिंट हो जाना चाहिए।
जब मैं इसको रेंडर करूंगा इस कंपोनेंट को, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा हुआ है आई एम पेज कंपोनेंट, इधर रेंडर कर रहा हूं मैं, लिखा हुआ है आई एम पेज कंपोनेंट, उसके फौरन बाद क्या लिखा हुआ जाएगा? मेरा कंपोनेंट पूरा का पूरा वो प्रिंट हो जाएगा जो पोस्ट में था। तो देखते हैं जरा कैसा हो रहा है, कुछ इस तरह का हो रहा है। ये ऐसा इस वजह से हो रहा है कि ये जो पोस्ट का कंपोनेंट था, इसको मैंने क्या नहीं दिया, प्रॉप्स नहीं दिए, कुछ प्रॉप्स नहीं दिए, तो वो लिखा हुआ नहीं आया, टेक्स्ट खाली खाली आ गया, सिर्फ बॉर्डर आ गया जो था, ठीक है। तो मैं ये पेज का कंपोनेंट मैंने बना लिया और इस पेज के कंपोनेंट को मैंने रेंडर करवा दिया यहाँ पे। ये सब लोगों को समझ आ रहा है जो हो रहा है यहाँ पे? तो मैं क्या करता हूँ, इस पेज के कंपोनेंट के ऊपर ये जो पोस्ट लिखा था ना, मैंने इसको प्रॉपर मैं प्रॉप्स के साथ लगाता हूँ। ये मैंने प्रॉपर ना प्रॉप्स के साथ लगा दिया इसको, अब इसको प्रॉपर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ये लो, प्रॉपर डिस्प्ले हो गया। अब अगर मैं इसको दोबारा ऐसे लिख दूं ये, तो दोबारा डिस्प्ले हो जाएगा, ये दो बार डिस्प्ले हो गया। अब मैं अगर इसको तीन बार डिस्प्ले करवा दूं यूं, तो ये तीन बार डिस्प्ले हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, अब मैं जाहिर है एक पोस्ट तो नहीं है ना, पोस्ट तीन अलग अलग है, तो तीनों का टेक्स्ट भी अलग अलग होगा। मैंने कहा कि भाई विनिंग फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड, कुछ और लिख दिया एक में टाइटल, सही है, एक में मैंने लिख दिया बेस्ट ड्रामा अवार्ड्स, सही है, बेस्ट फिल्म फेयर अपडेट विनिंग, पता नहीं कुछ तीन अलग अलग मैंने लिख दिए। तीनों की मैं इमेज भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, एक में मैंने म्यूजिक वाली इमेज लगा देनी है। मैंने कहा ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये मेरे पास इसका यूआरएल आ गया। मैंने कहा ये जो म्यूजिक जिसमें लिखा है ना, मैंने म्यूजिक डायरेक्टर, उसमें इमेज लगा दो ये म्यूजिक वाली, पेस्ट, ठीक है। एक में म्यूजिक लगा दिया, दूसरे में ड्रामा की इमेज लगा देता हूँ, सही है, ये ड्रामा की इमेज मैंने लगा दी, सही है, ये यूआरएल मैंने कॉपी किया यहाँ से, और जो ड्रामा जिसमें लिखा हुआ था ना, उसमें मैंने ये वाली इमेज लगा दी, अरे ये तो डेटा यूआरएल में आ गया, एक मिनट, ये गलत इमेज आ गई, ये वाला लगा देता हूँ, वो सर में डेटा यूआरएल ना बहुत हैवी हो जाता है, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हो चुका है यहाँ पे, एक पोस्ट ये है, इसका जो अपना एक टाइटल है, अपना एक टेक्स्ट है, अपनी एक इमेज है, एक पोस्ट ये है, एक पोस्ट ये है। हाँ भाई, बनना शुरू हो गया कुछ फेसबुक के जैसा। अच्छा, अब इसको गौर से समझना कि ये हुआ हुआ क्या है। इसमें मेरे ऐप में इस वक्त दो कंपोनेंट हो चुके हैं, पहले मैं एक कंपोनेंट पे खेल रहा था सिर्फ, अब दो हो चुके हैं। नंबर एक पोस्ट, पोस्ट कभी भी डायरेक्ट खुद स्क्रीन पे रेंडर नहीं होता, ठीक है। रेंडर कौन सा वाला हो रहा है, पेज, ये पेज रेंडर होता है, सही है। तो हमेशा कहानी यहाँ से शुरू होती है कि भाई रेंडर करो किसको, पेज को। तो अब ये जाएगा पेज को ढूंढेगा, पेज का कंपोनेंट ये रहा, ये पूरा का पूरा, सही है। अब पेज का कंपोनेंट जब इसने देखा डिव, ये रेंडर कर, ये वाला रेंडर कर दिया, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब उसने देखा अच्छा पोस्ट को भी रेंडर करना है यहाँ पे, पोस्ट को भी चलाना है। तो अब यहाँ से वो देखेगा जाके पोस्ट को कि भाई पोस्ट में क्या है, ठीक है भाई, जो जो प्रॉप यहाँ दिए हैं वो पोस्ट में इधर इसने फिट करना है और उसको यहाँ पे रेंडर कर देना है। फिर अगले पे जाएगा, ये प्रॉप को पोस्ट, ये पोस्ट को रेंडर करेगा, ये पोस्ट को रेंडर करेगा, तो इस तरह ये पूरा का पूरा रेंडर हो जाएगा, ठीक हो गया, मेक सेंस हो रहा है थोड़ा। तो हमारे पास ये, हमने क्या कवर कर लिया यहाँ पे इस पॉइंट पे, डायनेमिक एंड रीयूजेबल कंपोनेंट हमने
कवर कर लिए। अच्छा ये बाय द वे जो मैंने लिखा है ना ऐसे करके कि टाइटल टेक्स्ट और इमेज, ये मेरे पास ना डेटाबेस से इसी तरह आएगा। जब मैं डेटाबेस से इमेजिन करें, आप अभी तो सर्वर आपने नहीं पढ़ा ना डेटाबेस पढ़ा है, लेकिन इमेजिन करें कि वेदर ऐप आप सब लोगों ने बनाई होगी। वेदर ऐप नहीं बनाई, एपीआई कॉल की है कोई सी भी, कौन सी की है? हाँ न्यूज़ एपीआई कॉल की थी ना, उसमें न्यूज़ कैसे आती थी? एरे आता था एक, और एरे के हर इंडेक्स में एक एक ऑब्जेक्ट होता होगा, और उस ऑब्जेक्ट में कुछ टाइटल, कुछ इमेज, कुछ पैराग्राफ, कुछ इस तरह की। तो हमेशा न्यूज़ की कौन सी एपीआई कॉल की थी वो उसमें ज़रा रिलेट करवा पाऊँ ताकि मैं न्यूज़ एपीआई जस्ट ये वाला है। अच्छा न्यूज़ एपीआई डॉट ऑर्ग सही है ज़बरदस्त। तो इसको हाँ ये देखो, आर्टिकल्स का एक एरे है, आर्टिकल्स का एक एरे है, और उसके अंदर ये पहला आर्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, ऑथर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, यूआरएल टू इमेज, इसी तरह आ रहा है ना। तो मैंने उसको क्या करना है, पहले पहले इंडेक्स में जो भी है ना उस सबको इधर प्रॉप के तौर पे पास कर देना है, दूसरे इंडेक्स में जो भी उसको इधर प्रॉप के तौर पे पास कर देना है, सही है। तो बिल्कुल इजीली मेरा क्या हो जाएगा, वो एक एक जो भी डेटा था वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होके और एक पोस्ट की तरह एक लुक आ जाएगा उसके ऊपर। अच्छा अब जरा हम ना प्रॉप्स के बारे में मजीद समझ लेते हैं कि ये प्रॉप्स का चक्कर है क्या। ये तो समझ आ गया हमें कि हाँ यार ये एट्रीब्यूट की तरह पास हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको ज़रा मज़ीद अब समझ लेते हैं, यहाँ आर्टिकल में इन्होंने क्या बताया हुआ कि पासिंग प्रॉप इज़ वेरी सिमिलर टू सेटिंग एट्रीब्यूट इन एचटीएमएल टैग, अ लॉट ऑफ जेएसएक्स सिंटैक्स बोरोड फ्रॉम एचटीएमएल। कह रहे हैं आपको लग रहा होगा एट्रीब्यूट सेट हो रहे हैं क्योंकि ये है ही इंस्पायर है एचटीएमएल से, लेकिन ये असल में एट्रीब्यूट नहीं है। हेयर इज़ द कूल थिंग अबाउट प्रॉप, यू कैन पास व्हाटएवर यू वॉन्ट इन टू देम। कह रहे हैं कि भाई आप इसमें कुछ भी पास कर सकते हैं, यानी किसी भी किस्म का डेटा टाइप, ठीक है। यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रिंग्स, एट्रीब्यूट में आप स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी पास नहीं कर सकते। एचटीएमएल के एट्रीब्यूट में जैसे आपने लिखा ना क्लास इक्वल्स टू और उसके आगे स्ट्रिंग, और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसके अंदर क्या ऑप्शन है आपके पास, ऐसे करके आप जो डेटा टाइप देंगे वही जाएगी, एग्जैक्टली वही जाएगी, ठीक है। तो इसने कहा कि भाई अच्छा तो इसने बोला कि भाई अगर आपको ग्रीन करके ना ट्रू देना है, भाई जैसे अभी न्यूज़ की जो एपीआई आई है उसके अंदर क्या होता है कि ऐसे ऑथर के सामने एक स्ट्रिंग है, टाइटल के सामने एक स्ट्रिंग है, लेकिन कोई ऐसी वैल्यू भी हो सकती है इसमें ट्रू फॉल्स उसके सामने, ठीक है। तो वो ट्रू फॉल्स मैं अगर स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ यहाँ पे इस ट्रू को, तो मुझे वो एज अ बूलियन नहीं मिलेगा, फिर वो स्ट्रिंग के तौर पर मिलेगा, मुझे एचटीएमएल की बात कर रहा हूँ, फिर मुझे उसको पार्स करना पड़ता है बूलियन में ना, क्योंकि अगर स्ट्रिंग में अगर डबल कोटेशन के दरमियान अगर वो ट्रू लिखा हुआ है या फॉल्स लिखा हुआ है, वो दोनों ट्रू है, क्योंकि स्ट्रिंग तो ट्रू थी वैल्यू होती है, उसमें डायरेक्ट इफ नहीं लगा सकता मैं, या फिर मैं लगाऊंगा कि इफ जो वैल्यू मिली है ट्रिपल इक्वल्स टू ट्रू या ट्रिपल इक्वल्स टू फॉल्स, तो ऐसे करके मैं इफ एल्स लगाऊंगा फिर उसमें, ठीक है। तो मुझे उसको पार्स करना पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप ऐसे ट्रू देंगे ब्रैकेट के अंदर करके एज अ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, तो वो उसको यही डेटा टाइप मिलेगी। इसी तरह आप नंबर भी दे सकते हैं, उसमें क्या होता है कि नंबर अगर आप एट्रीब्यूट में कोई नंबर पास करते हैं वो स्ट्रिंग के तौर पे जा रहा होता है। इसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, आप देखें ऑब्जेक्ट के अंदर इन्होंने डबल ब्रैकेट लगाई है, एक ब्रैकेट है जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन की, ठीक है, ये इधर जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन ख़त्म है, और इसके दरमियान में जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ठीक है, इस वजह से ये डबल ब्रैकेट है। इसी तरीके से ऑन क्लिक के ऊपर आप फंक्शन भी पास कर सकते हैं एट्रीब्यूट में एज अ प्रॉप, एट्रीब्यूट तो नहीं है, एट्रीब्यूट तो एचटीएमएल होता है, इसमें एज अ प्रॉप आप पूरा का पूरा फंक्शन भी पास कर सकते हैं, वो आपको अंदर बिल्कुल उस फंक्शन की तरह मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रिंग के तौर पर हो गया। तो ये हमने एट्रीब्यूट को और प्रॉप्स को डिफ्रेंशिएट कर लिया कि भाई क्या चक्कर है। Not everything is a string, कह रहे हैं कि भाई ऐसे करके अगर आप false देते हो ना और ऐसे करके false देते हो तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जहाँ पे आपको string दे रहे हैं वहाँ पे आप string देंगे, जहाँ पे आपको actual data दे रहे हैं वहाँ पे आप actual data देंगे,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग को बिल्कुल ही छोड़ दें। जैसे अभी तक देखें मैंने तो सिर्फ स्ट्रिंग यूज़ किया है इसमें, स्ट्रिंग के अलावा कोई और चीज़ यूज़ नहीं की मैंने अभी तक प्रॉप के अंदर, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा डेटा ही दें, आप कभी स्ट्रिंग भी दे देंगे कभी डेटा भी दे देंगे, ठीक है, आपके ऊपर यूज़ केस पर डिपेंड करता है। अच्छा तो इसने यहाँ पे क्या किया है, इसने यहाँ पे किया है कि भाई फर्स्ट नेम एक दिया है एट्रीब्यूट और एक लास्ट नेम दिया है प्रॉप एक्चुअली, ठीक है, एट्रीब्यूट नहीं है ये, और उसको कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले करवा दिया। सही है, हमने भी यही सेम काम किया है, सब लोगों की तवज्जो है यहाँ पे। देखो इसने यहाँ पे एक फर्स्ट नेम लिया, एक लास्ट नेम लिया और उसको कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले करवा दिया, हमने भी यही काम किया ना, हम लोगों को डिफरेंट काम तो नहीं किया, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कि ना थोड़ा सा ये प्रॉप लेना तो सीख गया, प्रॉप लेना तो सीख गया, अब प्रॉप के अंदर ना थोड़ी ES6 की बात हो जाए। इसने बोला भाई आप ना ये जो लिखते हो ना प्रॉप करके इसको इसको डीस्ट्रक्चर कर लो, डीस्ट्रक्चर ES6 का एक टॉपिक है, हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो इसने बोला भाई ऐसे करो इसको, और टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन, जो भी टेक्स्ट है हमारा कॉमा इमेज, इसने बोला भाई डीस्ट्रक्चर करो, डायरेक्ट यूज करो। सही है, तो कोड आपका इससे क्या हो गया, थोड़ा क्लीन हो गया। जो पहले मैं डॉट डॉट लगाता था ना बिला वजह, वो मुझे अब लगाने की जरूरत नहीं है। सही है, डीस्ट्रक्चर सब लोगों को पता है कि क्या होता है, अगर नहीं पता तो अलग से गूगल कर लेना, रिकॉल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। डीस्ट्रक्चर ये होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर बहुत सारी कीज़ हैं, तो हर की को एक अलग वेरिएबल में लेना, उसको डीस्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, उसको उसको तोड़ के मुख्तलिफ वेरिएबल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, इसको हम डीस्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। तो इसको इनपुट लेते हुए मैंने डीस्ट्रक्चर कर लिया। हाँ है तो एज अ पैरामीटर ही, लेकिन जो पैरामीटर मुझे मिला है ना उसको मैंने डीस्ट्रक्चर कर लिया, अलग अलग वेरिएबल में ले लिया उसको मैंने। सही है, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लिया मैंने, ठीक है जी। तो ये फेसबुक, ये पोस्ट हमारी एक तैयार हो चुकी है जी दोस्त, चला दो। तो इसने बोला अब ऐसे करके लिखोगे आप नेम डीस्ट्रक्चर करने के बाद। अच्छा अच्छा अब ये एक बात और कह रहा है, कह रहा है भाई ये जो फंक्शन लिखते हैं ना हम ES5 वाला फंक्शन, जरूरी नहीं है हमें कि ES5 वाला फंक्शन लिखे हम। अगर ये फंक्शन जो है पोस्ट का, अभी ये कौन सा वाला है, दिस इज कॉल्ड नेम्ड फंक्शन, यही होता है ना, एक फंक्शन का कीवर्ड होता है उसके आगे उसका नाम होता है। अगर मैं इसको ES6 का बना दूं, मैंने कहा लेट पोस्ट और इक्वल्स टू, और यहाँ पे करके मैं ऐसे एरो लगा दूं, तो ये ES6 का फंक्शन बन गया, इसमें कोई हर्ष तो नहीं है, सब लोगों को पता है ES6 का फंक्शन। अच्छा फिर ये जो रिटर्न है, अगर मेरे किसी कंपोनेंट में सिर्फ JSX ही रिटर्न हो रहा है तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे गोल ब्रैकेट लगा दूँ, ये शॉर्टकट होता है ना ES6 में रिटर्न का, ठीक है, डायरेक्ट मैंने गोल ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि सिंगल लाइन में कोई भी चीज़ होती है वो रिटर्न होती है, राइट। तो अब मुझे रिटर्न का कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, ES6 का फंक्शन बना दिया मैंने ये। तो यही है, चार अलग अलग तरीके से एक ही फंक्शन को इन्होंने बनाकर दिखाया। एक फंक्शन था प्लेन फंक्शन, जो ES5 में नेम्ड फंक्शन भी कहते हैं उसको, दूसरा एनोनिमस फंक्शन बनाया है, ये भी ES5 का है, उसके बाद ES6 में एरो फंक्शन बनाया है इसने, एरो फंक्शन में कॉन्स्टेंट हाई इक्वल्स टू और एरो करके ऐसे ब्रैकेट और रिटर्न का कीवर्ड। फिर इसने बोला कि भाई ये रिटर्न का कीवर्ड अगर हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, लेकिन उसके लिए शर्त है कि सिर्फ JSX हो, कुछ और नहीं हो इसके अंदर, डायरेक्ट रिटर्न हो गए, ठीक है। और सबसे लास्ट में ये आ गया सिंगल लाइन जी। फिर तो रिटर्न लगाना पड़ेगा, अभी जब यूज इफेक्ट वगैरह पढ़ेंगे ना तो फिर तो रिटर्न आपको लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो ये मैंने ES6 बना दिया, इस पेज वाले को भी मैं क्या करता हूँ, अच्छा इसको लेट भी नहीं करना है, मैंने इसको कॉन्स्ट करना है, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं होता ना, फंक्शन जो बन गया तो बन गया, चेंज थोड़ी होगा वो। मैंने कहा कॉन्स्ट पेज इक्वल्स टू फंक्शन, ठीक है, और रिटर्न का कीवर्ड मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ JSX है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे एक गोल ब्रैकेट लगा दी और नीचे भी आके मैंने गोल ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, ये ES6 का फंक्शन बन गया।
दैट्स इट, सही है। पेज को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। मेरा जो ऊपर ये हाई का फंक्शन था इसको भी मैंने ES6 बना दिया। मैंने कहा भाई const high equals to a function और यहाँ पे मैंने arrow फंक्शन दे दिया, ठीक है। इसके अंदर भी सिर्फ JSX है तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, रिटर्न के कीवर्ड को इसमें भी एलिमिनेट कर सकता हूँ। सही है, ये भी ES6 का फंक्शन बन गया। हालांकि अभी तक ये रेंडर नहीं हो रहा है स्क्रीन पर, ये ऐसे ही खड़ा हुआ है इधर, लेकिन ये ES6 का फंक्शन बन गया। ठीक है जी, तो आप सब लोगों को जो जितने भी टास्क मिलेंगे वो ऐसा वाला कंपोनेंट बनाना है, ES6 वाला। बहुत सारी जगहों पे डॉक्यूमेंटेशन में अभी पुराना वाला बना हुआ है फंक्शन ES5, लेकिन हमने कोड स्टेट ऑफ द आर्ट करना है, नया वाला करना है। अच्छा, उसके अलावा ये जो फाइल का हमारे एक्सटेंशन है ना, ये है JS, इसको आपने कर देना है JSX। JSX करने से क्या होता है, इसमें सजेशन मिलना शुरू हो जाती है आपको। अभी आपके पास ये हो रहा होगा कि यार जैसे अभी देखो मैंने इसमें इमेज के नीचे ना एक अगर बनाना है स्पैन, तो मैं ऐसे स्पैन लिखता था, एंटर करता था, पहले नहीं आता था, अब आ रहा है। ये किससे हुआ, फाइल का एक्सटेंशन JSX करने से हुआ है। पहले क्या होता था, मैं लिखता था ऐसे करके div और एंटर करता था ना, तो फिर मुझे ऐसे करके दोबारा लिखना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि मैं सिर्फ div लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, ये बन के आ जाता है। मुझे इंटेलिजेंस बेहतर मिल रही है, क्या करने से, इंडेक्स की फाइल को मैंने JS से हटा के JSX कर दिया, जिससे मेरे मेरे कोड एडिटर को ये बात पता चल जाती है कि ये फाइल कौन सी है, ये JSX इसके अंदर लिखी जा रही है, ये रिएक्ट के कंपोनेंट की फाइल है, ठीक है। अच्छा, JSX से फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं आता, आप कोई JS करें या JSX करें, फंक्शनैलिटी में कोई फ़र्क नहीं आता, सिर्फ ये इंटेलिजेंस का चक्कर है बस, और कुछ भी नहीं है। इंटेलिजेंस मतलब जब आप टाइप कर रहे होते हैं ना, तो नीचे जो ये सजेशन आ रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड इंटेलिजेंस, ठीक है। मैंने कहा भाई प्रॉप, ये देखो ना नीचे से आ रही है, ये तो ये इंटेलिजेंस कहलाती है। JS में आएगी, लेकिन सिर्फ JavaScript की आएगी, इसकी नहीं आएगी, इस वाले की इंटेलिजेंस नहीं आएगी। JS में ना आप जैसे फंक्शन बना रहे हो, तो मैंने ऐसे FU1 लिखा, देखो फंक्शन आ रहा है, ऐसे लिखूंगा फंक्शन, ये फंक्शन बन गया, समझ रहे हो। ये वाला तो आएगा, लेकिन इसकी नहीं आएगी ना, JSX की इंटेलिजेंस नहीं आएगी आपके पास। डिव लिखोगे, इमेज लिखोगे, वो चलेगा ही नहीं। जैसे देखो इमेज मैंने पहले लिखा था ना हाथ से, अब मैं IMG लिखूंगा, एंटर करूंगा, ये खुद से बनकर आ गया, ठीक है। जो इंटेलिजेंस आपको सिंपली HTML के अंदर मिलती है, वो आपको मिल रही होगी। अच्छा, एक एक्सटेंशन भी मैंने किया हुआ है, बाय द वे JSX करके लिखोगे ना, एक एक्सटेंशन भी है इसका, मैंने वो भी किया हुआ है, पता नहीं यार कौन सा था, वो रिएक्ट था शायद, नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, ये बगैर रिएक्ट के आ रहा है। ये मेरे इंस्टॉल हुए हुए सारे हैं ना, नहीं मैंने रिएक्ट स्पेसिफिक कोई भी इस वक्त वो नहीं किया हुआ। ये वाला यार ये बहुत तंग करता है बाद में। ये सिंपल रिएक्ट स्निपेट शायद ये मैंने किया था पहले, इसको देखता हूँ मुझे याद आ जाएगा ये क्या है, सिंपल वाला ही किया हुआ था मैंने, इम्पोर्ट वगैरह में। चलो ये हेल्प आउट कर रहा है। और आगे अच्छा अच्छा ये वही तो है जो तुम बता रहे हो, ये FFC करो तो पूरा कंपोनेंट बना देता है। नहीं ऑटो कंप्लीट वाले नहीं है ना, ये वाले ऑटो कंप्लीट वाले नहीं है, मुझे तो इंटेलिजेंस वाला ही सही लगता है, बस इंटेलिजेंस दे रहा है काफी है। रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट कोड स्निपेट नहीं, बस मेरा ख्याल है एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। पहले तो असल में नया नया था ना रिएक्ट, तो हमें एक्सटेंशन चाहिए होते थे, अदरवाइज उसको समझ ही नहीं आता था VS कोड को कि करना क्या है। अब तो JSX जो है थोड़ी पुरानी हो गई है, तो अब मेरा ख्याल है VS कोड को खुद ही पता है कि क्या करना है और कैसे करना है। अच्छा ये हमारा हो गया भाई, हमारे पास अभी कितना टाइम रह गया है, अभी तो एक घंटा है हमारे पास, सही है जी। तो ये हमने देख लिया कि भाई फंक्शन भी हमारे बन सकते हैं इस तरह से। अब ये कह रहा है योर टर्न, अब योर टर्न में आपको क्या करना है, योर टर्न में आपने ये करना है कि ये न्यूज़ API जो है ना, आपने
अभी API कॉल नहीं करनी, API कॉल करना मैं बाद में बताऊंगा। अभी आपने इसको हाथ से API कॉल करके, आप कह रहे हैं ना पहले आपने बनाई हुई न्यूज़ एप्लीकेशन, तो यहाँ से हाथ से API कॉल करके ना इसको ऐसे कॉपी करके ले आना है इधर, कॉपी कर लेना है, फिलहाल कॉपी करके उधर एक एरे बना देना, सही है। बल्कि ये मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ, ये जो मैंने किया था ना ऐसे हाथ से दिया हुआ था इसको, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ना एक एरे, वेल अभी फिलहाल ये करना है कि इधर ही जैसे मैंने पेस्ट करके बनाया ना ऐसे पेस्ट करके बना लेना, वहाँ से न्यूज़ में से टाइटल उठाना इधर पेस्ट करना, इमेज उठाना इधर पेस्ट करना, ऐसे करके मुझे क्या चाहिए एक अदद न्यूज़ की ऐप प्रॉपर मुझे बना के दिखानी है आपने, और ये अभी कर रहे हैं आपने, ठीक है। ये कोड भी मैं पुश कर रहा हूँ, जो भी इसके रिपोजिटरी का नाम है वो आप देख लीजिएगा कि क्या है। इस कोड को अगर देखना चाहें आप एज अ एग्जाम्पल हेल्प लेने के लिए तो आप इस कोड को देख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैंने जो ये पोस्ट बनाई है ना इसमें मैंने स्टाइलिंग अच्छे तरीके से नहीं की है, ये क्या हुआ इसको, ठीक है, ये स्टाइलिंग मैंने ऐसी ही हल्की फुल्की सी की है। आपने क्या करना है, न्यूज़ की ऐप कोई खोलनी है और उसको देख के एग्जैक्ट कॉपी मारना है। एक न्यूज़ है रेड वाली न्यूज़ जो है, क्या नाम है उसका, एक रेड कलर की जो न्यूज़ की ऐप है उसका नाम क्या है, पता नहीं मेरे ख्याल वो एप्पल न्यूज़ है शायद, हाँ ये रेड वाला है, हाँ ये कैसे खुलेगा यार, न्यूज़ प्लस नाम है इसके, अरे यार ये तो पेड है, ये तो पेड है भाई, सीन हो गया। हम एक काम करते हैं, कोई दूसरी न्यूज़ ऐप खोलते हैं, BBC, हाँ ये गूगल न्यूज़ भी तो है ना एक बड़ा अच्छा, गूगल न्यूज़ खोलते हैं ना, ये मैंने गूगल न्यूज़ खोल लिया राइट, और फॉर मी करके मैंने वो किया, फॉर यू जो है ना इसमें मेरे यानी उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारे आर्टिकल्स लेकर आ जाते हैं यार, लेकिन ये तो सही से नहीं दिखा रहा है, मज़ा नहीं करवा रहे, नहीं मज़ा नहीं आया इसमें, कोई और बोलता, BBC वाले पे चलते हैं, यहाँ पे कैसा है, नॉट गुड सिटी न्यूज, यहाँ से इमेज में से देखते हैं कौन सी अच्छी ऐप चल रही है आजकल, एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी एक ऐप है ना अच्छी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में देखते हैं इन्होंने क्या बनाया हुआ है यार। असल में ये न्यूज़ की ऐप में ना सबने न्यूज़ वाला लुक दिया हुआ है, लेकिन अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो फिर बनेगा नहीं तुम लोगों से, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कोई सिंपल सा कुछ बोल दो, मैं फेसबुक पोस्ट ही सही थी यार, ये लो सही है, फेसबुक पोस्ट ही सही है, आसान है सिंपल है, एक ही एक एक करके है ना। अब जैसे पोस्ट में भी तो वो नहीं आ रहा ना कोई सीधा वाला, होम पे नहीं ना, मुझे ये इसमें से देखनी है, एक मिनट इसको मैं इनकॉग्निटो में खोलूँगा ना तो ये सही खुलेगा, असल में मेरे पास ये क्रिएटर के वो भी शो कर रहा है ना, क्रिएटर के भी आइटम शो कर रहे हैं मुझे, हाँ ये खुला ना, ये देखो ये जो इतना पार्ट है ना, ये जो स्क्वायर में कर्सर घुमा रहा हूँ इतना पार्ट, ये एक कंपोनेंट है राइट, सही है। अब इस कंपोनेंट के अंदर देखो प्रॉप्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, एक अदर प्रोफाइल पिक्चर, एक अदर टाइटल, ये कि कितने डे अगो है ये, सही है, एक अदर टेक्स्ट, फिर उसके साथ कुछ इमेज, सही है,
इमेज के नीचे उसके जो लाइक्स वगैरह जो भी हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। 107 लिखा हुआ है और दो आइकन्स आ रहे हैं एक्चुअली। उसके नीचे तीन बटन प्लेस हुए हैं जो कि फिक्स हैं, हर में होते हैं ये। अच्छा अब देखो इसका अगला पोस्ट अगर मैं देखूँगा, अगली पोस्ट में भी यही है, नाम है, इमेज है, दो दिन पहले, ये पूरा गोल चकोर सा, ये देखो इसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट है और एक अदद इमेज है और नीचे साथ में लिंक लगा हुआ है, क्लिकेबल लिंक, सही है। ये देखो ये भी क्या है, वही सेम चीज़ है, कुछ टेक्स्ट है। अच्छा इसमें इमेजेस एक से ज़्यादा है, इसमें इमेजेस एक से ज़्यादा है, लेकिन हमें फिलहाल ना सिंपल बनाना है, हमें एक इमेज वाला रखना है फिलहाल, कि भाई एक से ज़्यादा इमेज नहीं होगी, हमें सिंपल रखना है, ये तो थोड़ा ज़्यादा जाहिर है, ठीक है। अब हम मज़ीद आगे जाते हैं, ये देखो ये भी एक पोस्ट है ना, ये यहाँ से ये इतनी पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट है। अच्छा भाई देखो ये कलर भी मैं इसका चेक कर लेता हूँ ना, मुझे उस टाइम लग रहा था ना कि ये कलर इन्होंने कुछ अलग रखा हुआ है इसका, वो मुझे भी याद आ गया, ये लाइट पहले तो मॉड मुझे करना होगा, ज़्यादातर तो हम डार्क मॉड में चला रहे होते हैं। अब इसको मैं कलर पिकर लगा के ज़रा देखता हूँ कि ये नहीं यार पूरा वाइट है और बैकग्राउंड इसका ग्रीन है मेरे साथ, सो ये पूरा वाइट है, सही है, सही कह रहे थे तुम, पोस्ट वाइट हो गई है। ठीक है जी, ये देखो लाइन से सारी पोस्ट आ रही है, ये क्या है पोस्ट असल में, ये हर पोस्ट एक कंपोनेंट ही है और ये एक ही कंपोनेंट है, ये आप तो स्क्रॉल कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है पोस्ट इतनी सारी है, फेसबुक कैसे बनाता होगा इतनी पोस्ट, असल में एक ही कंपोनेंट है, उसके प्रॉप्स चेंज हो रहे हैं सर जी, जिस दफ़ा में प्रॉप में वीडियो आती है तो वो वीडियो प्ले करता है, इमेज नहीं दिखाता, जिस दफ़ा में प्रॉप में इमेज आती है वो इमेज दिखा देता है, जिस दफ़ा में प्रॉप में दोनों नहीं आता सिर्फ टेक्स्ट दिखा देता है, तो एक ही कंपोनेंट है ये असल में, ये पोस्ट का जो कंपोनेंट है ना ये एक ही कंपोनेंट है, तो यही कंपोनेंट अभी आपने बनाना है और इस कंपोनेंट में डिस्प्ले करवाने वाला जो आइटम है वो आपने कौन सा करवाना है, वो न्यूज़ की एपीआई में से ना हाथ से कॉपी करके पेस्ट करना है, फिर बाद में मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह आने वाली कुछ क्लासेस में कि रिएक्ट की ऐप के अंदर रहते हुए आप एपीआई कैसे कॉल कर सकते हैं और डेटा आएगा एपीआई से और आप उस डेटा को जैसे एचटीएमएल पे रेंडर करवाते थे वैसे आप इसके अंदर रेंडर करवा देंगे, ठीक है। तो ये सब लोग ना शुरू हो जाए, अभी एक नई रिपोजिटरी बनानी है github.com पे, उसका नाम क्या रखना है आपने, रीयूजेबल कंपोनेंट भी नाम रख सकते हैं या उसको ये भी बोल सकते हैं आपके फेसबुक पोस्ट कंपोनेंट, ये भी नाम रख सकते हैं या न्यूज़ ऐप उसका नाम रख सकते हैं आप, ठीक है, डेमो न्यूज़ ऐप कोई भी इस तरह का नाम रखें और उसके बाद उसको रिपोजिटरी को बनाने के बाद अपनी मशीन में उसको क्लोन करें और अपनी मशीन में आने के बाद उसमें एक नई ऐप इनिशियलाइज़ करें, नई ऐप इनिशियलाइज़ करने के बाद स्टेप बाय स्टेप ये सारा का सारा कोड लिखें आप, कोड लिखने के बाद उसको क्या करना है आपने वापस गिटहब में पुश करना है, फायरबेस पे उसको होस्ट करना है और गिटहब के अबाउट में जाके ना वो अपने यूआरएल लगा देना है, सही है। तो जब आप मुझे सबमिट करेंगे असाइनमेंट तो आपने क्या भेजना है मुझे, रिपोजिटरी का यूआरएल, जब मैं आपकी रिपोजिटरी खोलूंगा मुझे आपका कोड भी नज़र आ जाएगा और साथ में छोटा सा यूआरएल आ रहा होगा, उसको क्लिक करके मैं उसको देख भी सकता हूँ चला के, ठीक है। तो ये सबमिशन का हमारा तरीका है, अगर आपने इसको फेसबुक अगर आपने इसको होस्ट नहीं किया, होस्ट ज़रूरी है फायरबेस होस्टिंग पे, कहीं भी कर सकते हैं, अगर आपने होस्ट नहीं किया अपना कोड github.com पे पुश नहीं किया तो आपका असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। चल शुरू हो जाएगा मैडम, यार वो फेसबुक की एपीआई ना उसके लिए डेवलपर अकाउंट वो बहुत लंबा चक्कर है, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, ये न्यूज़ वाले सही है ना, पहले हमने वेदर की थी इस क्लास में, अब न्यूज़ वाली कर लेंगे, फेसबुक की मैंने कब बनाई, अच्छा वो मैंने जो बनाई थी प्लेस होल्डर वाली, जेसन प्लेस होल्डर का वो, जेसन प्लेस होल्डर है मैंने डाली हुई है गिटहब में, दिखा देता हूँ ना वो तुम्हें, मैं दिखा देता हूँ वो कहाँ पर है, ये लिखोगे ना आप जेसन प्लेस होल्डर, ये वो डिलीवरी रिपॉजिटरी, ठीक है।
ये आप गेट की रिक्वेस्ट मारोगे ना इस URL के ऊपर, तो ये आपको मिल जाएगा सारा का सारा पोस्ट। ये लो मैंने गेट की रिक्वेस्ट मारी, इस पर ये पोस्ट आ गई सारी सारी। ठीक है, ये आपको ऐसा लगता है कि ये API कॉल की तरह काम कर रहे हैं ना।